केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को जसदेर धाम बाड़मेर में एक जन रैली का आयोजन किया गया। रैली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष साधुराम मेघवाल सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रैली में भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी सरकार के गुणगान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के समर्पित केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय स्थित शिव शक्ति धाम जसदेर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन रैली का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों, आमजन के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वागत भाषण देते हुए रमेश शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और वक्ता केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पिछले 5-8 वर्षों में केंद्र सरकार की अभूतपूर्व जनकल्याणकारी योजनाओं का साक्षी बना है, इसलिए इतिहास प्रधानमंत्री मोदी को दया और करुणा के प्रतीक के रूप में याद रखा गया। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की जनता की अगाध और अटूट आस्था है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि यूपीए सरकार के 60 साल के मुकाबले मोदी सरकार के 8 साल बेहतर हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष साधुराम मेघवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम किसी पर निर्भर नहीं रहे और हमने वैक्सीन बनाने का काम किया। 1 जून को प्रदेश स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला स्तर पर। देश के मऊ स्थान है, आपका ही मात्र पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसने पहले वहां माथा टेके और अम्बेडकर जयंती मनाई। आज चाहे सौभाग्य योजना के अंदर घर घर लाइट पहुंची, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत लाइट पहुंची, आज लगभग 99% घरों के अंदर लाइट पहुंची है। पहले आप और हम सब जानते हैं कि सिर्फ 36% घरों में लाइटें थी। देश के अंदर सिर्फ 36% आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय 70 साल लगभग 68 साल हुए थे। भारत की आजादी के 68 साल बाद भी देश के अंदर लाइट गांवों के अंदर नहीं थी। आज तो हम कह सकते हैं अभी जैसा कि यहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और लाइट के पंखे की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सारों के हाथ में मैं देख रहा हूं कोई कागज से अपने आप हवा ले रहा है। कार्यक्रम में प्रियंका चौधरी, प्रदेश कार्यकारी समिति दिलीप पालीवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जसदेर धाम पर भाजपा की ओर से जन रैली में जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा, बालाराम मूड, एससी मोर्चे के उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा, जिला प्रवक्ता ललित बोथरा, कार्यक्रम संयोजक गिरधर सिंह कोटड़ा, सह संयोजक रमेश शर्मा, अनिता चौहान, रमेश सिंह इंदा, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी चंडक, जिला उपाध्यक्ष कुमार सिंह सोढ़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत सहित कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।